रक्तदान के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रही नगर की अग्रणी समाज सेवी संस्था यूथ ब्लड डोनर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बीड़ पिपली में एक रक्तदान जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के आयोजन में सरपंच पति दिनेश कुमार का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए संस्था के चेयरमैन समाज सेवी गुलशन कुमार ग्रोवर ने रक्तदान का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि जब एक रक्तदाता द्वारा दान किया गया रक्त किसी की जिंदगी बचाता है तो उस समय जो खुशी रक्तदाता को होती है उसे केवल वही अनुभव कर सकता है, शब्दों में उसे बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महादान है। हमारा एक यूनिट रक्त 3 लोगों का जीवन बचा सकता है। रक्तदान के बारे में फैली सामाजिक भ्रांतियों का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि रक्तदान से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती, बल्कि शरीर पहले से अधिक स्वस्थ और सक्रिय हो जाता है। 18 से 60 साल का कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 महीने बाद रक्तदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना रोधी टीका लगवाने के 14 दिन बाद तक कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। आजकल बड़ी संख्या में युवा रक्तदाता टीकाकरण करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना रोधी टीका लगवाने के 14 दिन तक कोई भी व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। देश भर में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी महसूस की जा रही है, अतः अब नए रक्तदाताओं को रक्तदान के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और रक्त की कमी को पूरा किया ताकि रक्त की कमी को पूरा किया जा सके। साथ ही उन्होंने उपस्थित युवाओं को कोरोना से बचाव के लिए जरूरी एहतियात जैसे फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, भीड़भाड़ से बचना, वे हर बार हाथों को सैनिटाइज करते रहना इत्यादि का पालन करने के लिए भी जागरूक किया। उन्होंने नशे करने के दुष्प्रभावों के बारे में बताते हुए युवाओं से सभी प्रकार के नशे से दूर रहने के लिए आह्वान किया। संस्था के संरक्षक बाबा गुरविंदर सिंह ने उदाहरण देते हुए रक्तदान के महत्व को बताया कि जिस प्रकार टंकी में खड़ा हुआ पानी दूषित हो जाता है और चलता पानी ठीक रहता है, ठीक उसी प्रकार हमारा रक्त भी चलते रहना चाहिए। यही रक्तदान करने के पश्चात बहुत रक्त भली भांति चलता रहता है। संस्था के संस्थापक प्रधान सुमित खत्री, सचिव हरपाल सिंह हैप्पी, कोषाध्यक्ष सिमरन कौर व अतिश क्रिस दस्ते शुभम गुप्ता ने बताया कि संस्था हर प्रकार के सेवा कार्य करती रहती है और कोई भी व्यक्ति जो समाज सेवा करना चाहता हो उसका दस्ते बन सकता है। संस्था द्वारा कोविड काल में सराहनीय कार्य करने वाले तथा इस रक्तदाता जागरूक शिविर में उल्लेखनीय योगदान के लिए सरपंच पति दिनेश कुमार को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित रजत, अभिषेक, अंकित सैनी, निर्मल सिंह, कमल, यश प्रधान, अंश, साहिल खान, सावन रोड सहित अभिषेक, महला, गौरव, हरीश और रोहित सहित लगभग 30 युवाओं ने संस्था के तत्वावधान में लगने वाले अगले रक्तदान शिविरों में रक्तदान करने का प्रण लिया।